स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं अपने इस चैनल पे प्लांट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, जितना भी मुझे आता है मैं वो यहाँ पे शेयर करती हूँ कि कैसे आप किसी प्लांट की देखभाल कर सकते हैं या फिर आप नए प्लांट को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में ये लक्ष्मण बूटी या जिसे 9 बजिया या फिर 10 बजिया या फिर पोर्थोलो का प्लांट भी कहते हैं, ये हम में से सबके घर में पाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। ये देखिए, इसमें कई तरह के फूल पाए जाते हैं, गुलाबी, सफ़ेद, पीला, लाल, ज़्यादातर जगह पे ये गुलाबी रंग का होता है। इसे लगाना बहुत ही आसान होता है, बस इसे आप थोड़ा सा कहीं से तोड़ लीजिए और इसे अपने गमले में लगा दीजिए। इसे खास किसी देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस 2 टाइम आप इसे पानी दे दें। देखिए, इस तरह से मैंने इसकी स्टेम काट ली है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इसे कैसे अपने पॉट में लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले पॉट में मिट्टी को गीली कर ली है। मिट्टी गीली इसलिए करते हैं ताकि ये जो देखिए ये जो हमने स्टेम तोड़े हैं इसको डायरेक्ट सॉइल में डालना होता है, और अगर मिट्टी गीली होती है तो ये आसानी से चली जाती है और कुछ देर बाद ये खुद ऐसे आराम से लग जाते हैं। अगर मैं इसे ड्राई सॉइल में डालूंगी तो ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी मिट्टी गीली करके फिर उसके अंदर इनकी स्टेम को डालें। देखिए, ऐसे करके मैं सारे स्टेम को डाल दूंगी और यकीन मानिए ये 100% गारंटीड है कि ये प्लांट आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये प्लांट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इसकी बस एक डंडी तोड़ के आप कहीं पर भी लगा दें। अगर आप इसे ऐसे फेंक भी देंगे किसी मिट्टी के पास तो ये तब भी लग जाएगा, और ये एक रात में ही लग जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने सुबह इसकी डंडियाँ तोड़ी थी और मैं रात के टाइम पे लगा रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे इसे धूप नहीं मिलती और ये अच्छे से एडजस्ट हो जाता है मिट्टी में। देखिए, अब मैं इसे सुबह देखूँगी तो ये बिल्कुल अच्छे से इसकी मिट्टी के अंदर फिक्स हो गया होगा, और इसमें मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं इसके अंदर जितनी डंडियाँ लगाई हैं वो सब ग्रो करेंगे। आप एक बार इसे लगा के जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।